अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए। ये प्रोग्राम बना दिया आसान भाई ने, तो जा रहे हैं जी हम सखर में इस वक्त और HD होटल में जा रहे हैं, और सुना है कि उनका खाना बहुत अच्छा है, तो चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। एक तो ये मक्खी नहीं छोड़ रही मुझे, तेरा बेड़ा तेरे तेरा। ਫੌਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਾ ਖਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਲਾ ਨਹੀਂ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये बड़े भाई बैठे हैं एहसान भाई, ये हमारे दोस्त हैं। तो इस वक्त हम बैठे हैं जी, ये सखर के करीब है, HD होटल है, तो उसके रूम में बैठे हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ उसका। ये बाहर थोड़ी गर्मी है इसलिए हम अंदर आ गए हैं। ये अशरफ भाई हैं, और मेरे इस तरफ सलाम भाई बैठे हैं वकाड़ा से, और मुझे तो आप जानते ही हैं। तो हम इधर आए हैं थोड़ी तबाही मचाने के लिए कि ये आज मूड बना हाजी साहब का कि चलते हैं होटल पे आज, तो खाना खा के आते हैं, तो देखते हैं अभी कैसा खाना आता है आज, और आपको भी दिखाते हैं। तो पिछली दफ़ा हम बैठे थे उसका, उस होटल का नाम था सजाद होटल, उनका बहुत अच्छा खाना था और सब दोस्तों को पसंद भी आया था। तो आज उम्मीद करते हैं कि जैसा ये होटल है माशाल्लाह अच्छा है, और उम्मीद है कि खाना भी अच्छा ही होगा। हमने ऑर्डर किया है मटन कढ़ाई और रेशमी कबाब, और उसके साथ टिक्का बोटी है। चार पांच जो होटल है ना, ये अच्छे हैं, और लोगों का रश भी होता है इधर। ये शाम का टाइम हो गया है और लोग आना शुरू हो गए इधर, और ये सखर शहर से तकरीबन 7 किलोमीटर ये फासले पे है। तो ये खाना हमारा हो गया तैयार, ये लेके आ गए हैं भाई, जो वेटर हैं खाना लेके आ गए हैं। तो माशाल्लाह ये मटन कढ़ाई है, और ये रेशमी कबाब और टिक्का बोटी एक ही ट्रे में लेके आ गए हैं, और ये चपाती है, और इसके साथ चपाती के साथ और भी। लो जी माशाल्लाह, ये ख़ास तौर पे कढ़ाई बहुत अच्छी बनी थी, बाकी भी सारी चीज़ें अच्छी थी, खा खा के पसीना ही आ गया हमें सारे। तेनू तो चंगा लगा ही होना जवाना है।
खाने का मजा आया तो बार ए सी वाले पास कम रह गए मैं क्या पैसे इन्ना भरे ने इधर इन्ना दे बन्नी माशाल्लाह बड़ा प्यारी आवाज आ रही है साफ सुथरा माहौल है ते चलो जी मिलेंगे जी हूँ अगली वीडियो दे भाई तुहाडे नाल भाजी उस साइड दे फोटो अल्लाह अकबर या अल्लाह खैर कैसा लगे फरमैशी गाने।